अगर मैं आपसे कहूं कि अंडा नहीं है तो क्या आप इस बात पे विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये देखने में बिल्कुल ऑमलेट की तरह ही दिख रही है, लेकिन ये बिना अंडे की ऑमलेट है, जो खाने में और देखने में बिल्कुल अंडे की तरह ही लग रही थी। तो इस बिना अंडे के ऑमलेट को मैंने कैसे बनाया है, आइए देखते हैं रेसिपी। मैंने एक बाउल लिया है और उसमें लिया है मैंने 1 कप के करीब बेसन और 1/4 कप के करीब लिया है मैंने मैदा। 1/4 कप से थोड़ा 1-2 चम्मच कम ही था, थोड़ा कम ही ले 1-2 चम्मच, उतना हमें मैदा लेना है। और उसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से जो हमारा ऑमलेट बनेगा बिल्कुल अंडे की तरह ही फ्लफी बनेगा और खाने में बिल्कुल उसका देखने में टेक्सचर बिल्कुल अंडे की तरह ही होगा। और स्वाद के हिसाब से लिया है मैंने नमक। आपको बेसन में जितने नमक की ज़रूरत हो, जितना आपको नमक पसंद हो, उस हिसाब से आप नमक अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसे पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम घोल तैयार करेंगे। इसका घोल हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, इसका घोल हम पतला ही रखेंगे। अगर इसका घोल गाढ़ा हो जाएगा तो ये जो ऑमलेट हम बनाएंगे वो थोड़ी मोटी बनेगी और देखने में बिल्कुल ही भी ऑमलेट की तरह नहीं लगेगी। जब अंडे की ऑमलेट अंडे को जब हम फेंटते हैं तो कितनी पतली होती है ना, उसी तरह से इसका घोल हमें पतला रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। तो मैं आपको एक घोल तैयार होने के बाद कलछी से उठा के दिखाऊंगी कि इसका घोल कितना पतला रहना चाहिए। देखिए इसी तरह से इसका पतला सा घोल होना चाहिए, देखिए ये बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से जब हम पैन पे इसे फैलाएं, जब घुमाएं पैन को, तो ये आराम से अपने आप ही फैल जानी चाहिए। ये उतना पतला रहे घोल तब हमारा ऑमलेट जो है बहुत अच्छा बनेगा। तो इस घोल में मिलाया है मैंने प्याज और हरी मिर्च। ऑमलेट में प्याज और हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं, उससे ये देखने में काफ़ी कलरफुल हो जाएगी और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो देखिए इसे मैंने मिला लिया है और गैस पे मैंने रखा है एक पैन। अब पैन में मैंने लिया है सरसों का तेल। आप चाहें तो बटर में भी इसे बना सकते हैं, ऑमलेट बटर में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम एक कलछी भर के इसमें अपना जो घोल हम तैयार किया है हमने उसे हम पैन को घुमाते हुए फैला देंगे। देखिए कितने आराम से अपने आप ही फैल गई, इसमें कलछी बिल्कुल नहीं लगाना है, इसे पैन को घुमाते हुए ही हमें तैयार कर लेना है ऑमलेट को। देखिए इसी तरह से, और गैस की फ्लेम को तो बिल्कुल ध्यान में ही रखिएगा, उसका फ्लेम बिल्कुल हाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमें इसे सेकना है। हाई फ्लेम पे जब हम सेकेंगे तो जितने बबल्स उठ रहे हैं वो बबल्स नहीं उठेंगे और फिर हमारा अंडा फ्लफी नहीं बनेगा और बिल्कुल देखने में अंडे की तरह नहीं लगेगा। तो आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, बिल्कुल हाई ना रखें, तब हमारा अंडा जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए कितने इसमें बबल्स उठे हैं और देखने में बिल्कुल ये अंडे की तरह ही दिख रही है और खाने में भी इसका टेस्ट बिल्कुल अंडे की तरह ही था। आप लोग बिना अंडे की ऑमलेट को एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें, आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और हर बार आप इसी तरह से बनाना चाहोगे। देखिए इसे धीरे धीरे से हम सभी तरफ से छुड़ा लेंगे। आप स्टार्टिंग में ही इसे छेड़े नहीं, अच्छी तरह से नीचे की साइड को सेकने सीखने दें, उसके बाद ही आप इसमें कलछी लगाएं। और इसे देखकर कोई भी ये बता नहीं सकता कि ये ऑमलेट नहीं है, बिल्कुल अंडे की तरह ही दिख रही है और ये खाने में भी बहुत अच्छी बनी थी। तो दोनों तरफ से हम इसे पलट पलट के सेक लेंगे और देखिए मेरा एक ऑमलेट बन के तैयार हो गया है। तो चलिए आपको एक और दिखा देती हूँ। तो पैन में मैंने फिर से सरसों का तेल लिया है और एक कलछी जो घोल हमने बना के रखा था वो लिया है और पैन को घुमाते हुए हम अपने घोल को फैला लेंगे, देखिए इसी तरह से, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे सेकने देंगे, तभी इसमें इतने बबल्स उठेंगे और हमारा ऑमलेट जो होगा फ्लफी बनेगा। तो देखिए कितनी अच्छी इसमें बबल्स आ रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर दबाएं। देखिए एक साइड से सिक गया था तो मैंने इसे पलट दिया है और दोनों साइड से हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे ऑमलेट की तरह। तो देखिए दूसरा भी तैयार हो गया है। तो देखिए मैंने इसे सर्व कर दिया है और इसे देख के तो कोई नहीं बोल सकता कि ऑमलेट नहीं है, बिल्कुल ये ऑमलेट की तरह ही दिख रही है। वीडियो और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाज़त। बाय बाय।